वेलकम है आप सभी का मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल फैक्ट शेयर पर, जिसमें आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बेहद ही खास कंट्री के बारे में बताने वाली हूँ, जिसे दुनिया के सबसे शांति प्रिय देशों में गिना जाता है और इस देश का नाम है ओमान। इस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर मस्कट है। ओमान का बॉर्डर सऊदी अरब, यमन और यूनाइटेड अरब अमीरात से जुड़ा हुआ है। अगर मैं सुंदर से देश की क्षेत्रफल की बात करूँ तो इसका एरिया 309,500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ओमान ने विकास के मामले में बड़ी बड़ी कंट्रियों को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, अगर आपको देश विदेश से जुड़ी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, इस देश का पैसा दुनिया के सबसे मजबूत करेंसी में गिना जाता है और यहाँ पैसे के रूप में ओमानी रियाल चलता है, जो एक ओमानी रियाल अपने भारत के 194 रुपए के बराबर है। अब आप सोच ही सकते हैं कि अगर किसी भारतीय की ओमान में जॉब लग जाए तो वह केवल 3,000 रियाल ही हर महीने कमाए तो भी उसकी सैलरी भारत में 5,83,000 रुपए बैठेगी। इस देश पर 50 सालों तक कबूस बिन सैद का शासन रहा और यह सुल्तान ओमान को नई तरक्की की ओर ले गए, लेकिन जब इनका निधन हुआ तो 10 जनवरी 2020 के बाद यहाँ के नए सुल्तान हैतब बिन तारिक बने। ओमान दुनिया का 25वां और अरब का 5वां सबसे अमीर देश है। इसकी अमीरी का मुख्य कारण सिर्फ तेल के कुएं नहीं है, मछली से लेकर खजूर और एग्रीकल्चर के बहुत सारे प्रोडक्ट ओमान हर साल अपने पड़ोसी देशों को निर्यात करता है। इसके अलावा ओमान की टूरिज्म इंडस्ट्री भी यहाँ की इकोनॉमी में बड़ा सहयोग देती है। ज्यादातर मुस्लिम देशों की तरह ओमान भी फ्राइडे और सैटरडे की साप्ताहिक छुट्टी देता है, जबकि बाकी 5 दिनों में रोजाना केवल 6 घंटे ही काम करना होता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर फ्राइडे को कोई काम करा जाएगा तो उसमें सफलता कम मिलेगी और यह लोग फ्राइडे को ऊपर वाले की भक्ति का दिन मानते हैं। ओमान के नागरिकों को शराब पीने के लिए अलग से लाइसेंस लेना होता है। टूरिस्ट और विजिटर होटल और रेस्टोरेंट, क्लब जैसी जगहों पर शराब खरीद कर पी सकते हैं। वैसे यहाँ शराब पीने की उम्र 21 साल रखी गई है। दोस्तों, आप जानते हैं कि पेट्रोल की कीमतें आज आसमान छू रही हैं, पर ओमान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पेट्रोल और डीजल काफी सस्ता है। मात्र 45 रुपए में यहाँ नागरिकों को 1 लीटर पेट्रोल मिल जाता है। ओमान में लगभग हर नागरिक के पास खुद का घर और गाड़ी है। अगर ओमान में किसी को अपने घर में सफेद के अलावा दूसरा कोई रंग करवाना होता है तो इसके लिए उसे अलग से लिखित रूप में परमिशन लेनी पड़ती है। भारत को ओमान का काफी अच्छा दोस्त माना जाता है। इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि हर साल भारतीय नेवी ओमान की नेवी को ट्रेनिंग देने जाती है और साल 2013 में इंडियन नेवी के बहुत सारे ऑफिसर ओमान में 6 महीने तक रुके थे। इसके अलावा यहाँ के बहुत सारे नागरिक अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने भारत ही आते हैं। ओमान को दुनिया की सबसे सुरक्षित और शांति प्रिय देशों में से एक माना जाता है और यहाँ पर क्राइम रेट भी ना के बराबर है। दोस्तों, ओमान में बेरोजगार लोगों को भी बहुत फायदा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला बेरोजगारी से किसी का क्या फायदा, तो मैं आपको बताती हूँ कि ओमान की गवर्नमेंट बेरोजगारों को 220 रियाल सरकारी भत्ता देती है, जो भारत के लगभग 42,713 रुपए के बराबर है। इसके अलावा यहाँ की सरकार बेरोजगारों को खुद 3 नौकरियाँ भी ढूंढ कर देती है, जिनमें से कोई एक नौकरी वह 6 महीने के भीतर चुनकर कर सकता है। ओमान घूमने के लिहाज से भी काफी सुंदर है। यहाँ पर 500 से भी ज्यादा पुराने किले मौजूद हैं। ओमान में एक गांव है सास अलहद, जिसमें एक जगह है रास अल जिंजी। यहाँ पर आपको सैकड़ों की संख्या में कछुए दिखाई देंगे। ये कछुए बीच के किनारे आकर धूप सेकते रहते हैं, जिन्हें यहाँ के स्थानीय नागरिकों से लेकर टूरिस्ट भी दूर दूर से देखने आते हैं। इसके अलावा वाहिबा सैंड या फिर सरकिया सैंड भी देखने योग्य जगह है। और अगर आपको प्राचीन किले देखना पसंद है तो ओमान का निजवा शहर आपको भुलाए नहीं भूलेगा। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध किला 2 बड़े बड़े सिलेंडर टावर के साथ 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था और इसका नाम है निजवा फोर्ट, और इसी के नाम पर निजवा शहर का नाम पड़ा। वैसे तो पूरा ओमान ही काफी सुंदर और देखने योग्य है, लेकिन राजधानी मस्कट के अलावा सलाला शहर, निजवा शहर, सिटी शोहर, शहर बरका,
सीव, शहर खासब, सिटी सुर और शहर बाला। ओमान की टोटल पॉपुलेशन लगभग 52 लाख के आसपास है और यहाँ का सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है। ओमान में कई देशों के लोग कमाने जाते हैं, जैसे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और मलेशिया। जो भी यहाँ एक बार पैसा कमाने जाता है वह कुछ ही समय में काफी धन इकट्ठा कर लेता है और यहाँ इन्हें रहने में भी कोई परेशानी नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आपको ओमान का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलूंगी अगली बार एक और नए देश की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।